16 दिनों से लगातार धरना जारी है इको गार्डन धरना स्थल पर। ना प्रशासन ना शासन का कोई भी अधिकारी आकर के उनकी सुध नहीं ले रहा है। हमारे विक्रम जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बातचीत की आशा बहुओं से और जाना उनकी समस्याओं के बारे में। पेश है आपके सामने एक रिपोर्ट। तो आइए अब हम बात करते हैं आशा बहुओं से कि किन प्रमुख मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन है और अभी तक क्या आश्वासन मिला है। पिछले 15 दिनों से इनका प्रदर्शन चल रहा है, आइए जानते हैं और ध्यान देते हैं इनकी मांगों पर। भैया हम लोग जो है, मेरा नाम है सुशीला, मैं आशा बहू काम करती हूँ सरोजनी नगर क्षेत्र से जी। हमारी मांगे ये हैं कि हम लोगों को एक जो है 1000 रुपया मिलता है, 1000 रुपये में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक बाजार की सब्जी तक नहीं आ सकती है। हम आप लोगों का कहने का मतलब है जो हम लोगों को मानदेय प्रोत्साहन मिलता है उसकी जगह वेतन राशि हटाकर वेतन कर दिया जाए। जी सर, प्रोत्साहन राशि हटा के वेतन कर दी जाए। दूसरी मांग ये है कि हम लोगों को 20000 रुपया दिया जाए। तीसरी मांग ये है हम लोगों को सरकारी दर्जा दिया जाए। चौथी मांग हम लोगों को ये है कि हम लोगों को जी जी बोलिए कितनी सूत्री मांगे हैं आप लोग? जी हम लोगों के 4-5 नौ जिला अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम इंदु वाला है। तो आशा बहुओं का ये जो प्रदर्शन पिछले 15-16 दिनों से चल रहा है, किस तरह से आपकी मांगे ना पूरी होने पर आप विरोध प्रदर्शन करेंगे? मेरी अगर 25 तारीख तक मांगे ना पूरी हुई तो फिर हम लोग आगे के लिए कुछ करेंगे, कर सकते हैं कुछ आगे के लिए कुछ कर सकते हैं, मतलब सड़क पे घेराव कर सकते हैं। उम्मीद है अभी सरकार से, अब देखो क्या उम्मीद क्या किया जाए, क्योंकि एक बार हम लोग 5 कम से कम 8 बहने ऐसा मिला है कि आप लोगों को अभी मुख्यमंत्री से मीटिंग या कुछ ऐसा कराया जाए? मेरे से कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग यहाँ से रेगुलर 16 दिन हो गए हैं हम लोग बैठे हुए, दिनों से लगातार ज्ञापन जा रहा है, 16 दिनों से ज्ञापन लगातार जा रहा है और लगातार ही भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ कम होने का नाम नहीं है। जो रवैया आपके प्रति वो उदासीन सरकार हम लोगों को कुछ नहीं सुन रही है, कुछ मांगे नहीं दे रही है और हम लोग तो बिल्कुल दिमाग से लाचार हो चुके हैं। है आपका? मेरा नाम कौशल्या है, मैं आशा बहू के पद पे तैनात हूँ मोहनलालगंज से। मेरा मेन मकसद ये है कि अगर हम लोगों का 2018 में अगर राज कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग आगे के लिए सोच लेंगे, ये सरकार यहाँ रहने वाली नहीं। अगर हम लोगों को राज तो कर्मचारी कर से पहले कोई वादा किया था आशा बहुओं ने? उन्होंने हम लोगों से ये वादा किया था, हम आशा बहुओं के प्रति 120 दिन का वादा लेते हैं, आशा बहु को राज कर्मचारी का दर्जा या परमानेंट करने का वादा उन्होंने लिया था। ठीक है, तो ये बताइए जो वादा सरकार ने किया था वादे पे खरा उतर रही है या नहीं? नहीं उतरी है, नहीं उतरी है। वो झूलेलाल पार्क में हुआ था। वे क्या 19 के चुनाव में जवाब देंगे? बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे, तोड़ के जवाब देंगे आशा बहुए। आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो यहाँ एक भी एक आशा वोट नहीं देगी, न परिवार से देगी न गांव से देने देगी। कहा गया था राजनाथ सिंह आए थे, माननीय राजनाथ सिंह आए थे, कह गए थे कि हमको जिताओ, कौशल किशोर सर थे, कह रहे थे हमको जिताओ, हम आपकी सब संविदा वालों की सुनेंगे, आशा बहुओं को हम परमानेंट करेंगे। जी धोखा हमको दिया है उनकी सरकार ने। तो आपने देखा आशा बहुओं की समस्या कितनी जटिल समस्या है, 24 घंटे का कार्य लेने के बावजूद ना उनको कोई मानदेय ना कोई वेतन, उनका कुछ भी निर्धारित नहीं है। हर महिला इस समस्या से जूझ रही है, अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो आ उतरी है एक धरना स्थल पर, और उनका मानना है कि अगर हमारी मांगे जो है सरकार अगर पूरी नहीं करती है तो हम अब इस लड़ाई को लेकर के सड़कों पे भी उतरेंगे, जिससे सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो अगर आप ये हमारी खबर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और Facebook पे देख रहे हैं तो उसे लाइक कर लीजिए, और हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कुछ बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आपको हमारा कमेंट मिलता रहेगा।